महाविद्यालय में एनसीसी भर्ती वर्ष 2019-20 के लिए भीलवाड़ा के माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने दौड़ लगाई। दौड़ में छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। एनसीसी भर्ती के लिए 648 छात्र और 90 छात्राओं ने आवेदन किया था। इसमें से 190 छात्र और 69 छात्राओं ने दौड़ में भाग लिया, जिसमें से 48 छात्र और 28 छात्राओं का चयन हुआ है। इस दौरान दौड़ के संयोजक डॉक्टर संतोष आनंद गारू, सह संयोजक डॉक्टर वी के लोयर, सदस्य डॉक्टर जी सी भारती और डॉक्टर चेतना कुमावत मौजूद रहे। एनसीसी भीलवाड़ा के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल A.S. बरियावाल ने कहा कि MLV कॉलेज में एनसीसी के 200 पद रिक्त हैं, जिनके लिए भर्ती जारी है। इस दौरान 48 छात्र और 28 छात्राओं की भर्ती हुई है। 3 चरणों के अंदर इनका चुनाव किया जाएगा। पहला चरण दौड़, दूसरा रिटर्न टेस्ट और तीसरा चरण साक्षात्कार का होगा। यह प्रक्रिया 2 दिन में मेरिट लिस्ट के हिसाब से अभ्यर्थियों के चुनाव के बाद संपन्न होगी। मंगलवार को हुई दौड़ के दौरान छात्रों ने 5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगाई। कॉलेज में टोटल एनसीसी के 200 वैकेंसीज हैं, जिनमें आज हम 48 बॉयज एंड 22 लड़कियों 28 लड़कियों का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि 33% लड़कियों का कोटा होता है, जो 3 चरणों में होगा। पहला चरण होगा दौड़, दूसरे चरण में इनका रिटर्न टेस्ट और तीसरे चरण में इंटरव्यू। बोनस मार्क्स दिया जाएगा एनसीसी के जो पुराने छात्र, उनको नेशनल सर्टिफिकेट को या कोई सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया 2 दिन के अंदर हम खत्म कर देंगे और फिर मेरिट बेस्ड इनका सिलेक्शन होगा। बच्चे को, लड़कों को ये दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना होता है, जिसमें और उसके बाद हर 2 नंबर का कम होता है, जब वो 30 सेकंड लेट आता है। तो ये एनक्लोजर इसलिए बनाए गए कि जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है उसको एक एनक्लोजर में, सेकंड बैच को एक अलग एनक्लोजर में, थर्ड बैच को अलग एनक्लोजर में।